है ड्रामा है सस्पेंस है और एक कॉलेज की स्टोरी है एंड आई एम प्लेइंग ए करेक्टर ऑफ यंग प्रोफेसर इन दिस मूवी एंड माय करेक्टर इज नेम अजय वर्मा और इस फिल्म में एक स्मॉल ट्विस्ट का मैं आपको पार्ट बता दूं जो कि आप पूछ रहे हैं मेरे से मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूं और मेरी जो वाइफ है उनका चक्कर मेरे एक स्टूडेंट से चल जाता है और कॉलेज के एक स्टूडेंट का चक्कर मेरे से चल जाता है दैट्स अ क्रॉस कनेक्शन इट्स अ कॉल्ड लाइफ में ट्विस्ट इट्स अ स्मॉल थिंग बट इट्स अ लॉट्स ऑफ थिंग इन दिस मूवी कि बहुत सारे ट्विस्ट आपको देखने में मिलेंगे आई थिंक नहीं शादी तो हुई नहीं तो इसलिए इस टाइप का ट्विस्ट आना मुश्किल है गर्लफ्रेंड्स देखिए मतलब आई थिंक ये टोटली फैमिली एंटरटेनर मूवी मतलब इसमें है कॉमेडी भी है ड्रामा है और कॉलेज के पूरी स्टोरी है कॉलेज का स्टूडेंट्स की मस्ती है और पूरी फैमिली एंटरटेनर मूवी है और बेहतरीन गाने हैं इस फिल्म में और पूरी मतलब फैमिली पैक्ड फिल्म है आई थिंक लाइफ में ट्विस्ट है इस फिल्म का नाम इससे बेटर आई थिंक नहीं हो सकता क्योंकि जिस हिसाब से ट्विस्ट होते रहते हैं लाइफ आप जब मूवी देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि जैसे जैसे ट्विस्ट हो रहे हैं जैसे मैंने आपको क्रॉस कनेक्शन बताया जैसे जैसे क्रॉस कनेक्शन था इट्स ए वन मोर ट्विस्ट और उसके बाद जो आगे के ट्विस्ट आते हैं और जो आप इसके क्लाइमेक्स में देखेंगे जो जो चीज़ें हैं तो वो एक इस फिल्म के टाइटल को और दर्शाती हैं कि लाइफ में ट्विस्ट है सीरियसली मैं आपको बताऊं ये मेरी जिंदगी का एज ए आई वर्क इन 5 मूवीज बट एज ए लीड इज माय फर्स्ट मूवी एंड इन रियलिटी रियली दिस माय रियली ट्विस्ट ऑफ माय रियली इन माय लाइफ मतलब ये सच में मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और कमाल की बात है कि इस फिल्म का नाम भी लाइफ में ट्विस्ट है कितना चैलेंजिंग था ये रोल निभाना मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि ये मेरी एज से बड़ा करेक्टर था आई एम प्लेइंग ए करेक्टर ऑफ यंग प्रोफेसर एंड प्रोफेसर किरदार में मुझे हर चीज़ वो सोच के चलनी थी कि एक प्रोफेसर अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट से किस तरीके से बात करता है और किस तरीके से उसका रवैया रहेगा तो मुझे इन चीज़ों पे काफ़ी चीज़ सोचनी पड़ी बट एज ए एक्टर के लिए इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस ourselves. आप अपने रोल के बारे में बताएं आप अपने रोल के बारे में एक कॉलेज में मतलब कॉलेज का लड़का रहता है पहले मेरा दोस्त रहता है बाद में प्यार करता है फिर धोखा देता है और उसी दौरान मेरी शादी हो जाती है मुझे बदला लेना पड़ा है तो इस टाइप की स्टोरी है आर्शन जी आपका किरदार इसमें किस तरीके का वही नॉर्मल जो हर फिल्म में रहता है एक प्रेमिका का है आपने एंजॉय किया कितना जो है आपने मस्ती किया ऑन द सेट और किस तरीके से आपने प्ले किया और आपके कोई स्टार किस तरीके से केमिस्ट्री रही है सेट पे मैंने बहुत ही एंजॉय किया और मतलब कभी कभी नर्वस भी हो गई थी ये मेरी फिल्म है वाइब बनी है आपसे सवाल है और कुछ मोदी जी के बारे में कहा था तो हाँ जी क्या कहना उस बारे में और जब आप उनके बारे में बात करते हैं आपके क्या कह रहा था उनके बारे में और क्या वजह थी कि आप उनके बारे में मैं इसलिए क्योंकि एक्चुअली ये कविता मेरे हमारे जो एक आर्य समाज में एक अच्छे गुरु हैं उन्होंने लिखी है लाइनें बट ये लाइनें इतनी मैं ये सोचने लगा कि हमारे देश में जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था जब हम शूटिंग में गए थे फिल्म की तब इस मोदी जी के दौर में जो चल रहा था और हम सब देख रहे थे
तो ये जब लाइनें जब मुझे बोलनी थी तो मुझे लगा कि ये लाइनें तो बिल्कुल ही सटीक मोदी जी को दर्शाती हैं, क्योंकि अदला आला के लिए जिसने झुकाई आंखें, जो ऊपर वाले के लिए झुकता है उसके लिए सारी दुनिया झुकती है, जो सबके लिए नमन है वो सब सारी दुनिया उसको नमन करती है। तो मतलब ये पूरी लाइनें पूरी सटीक थी, और जिस जो सिचुएशन है फिल्म के अंदर जिसके दरमियान मैंने ये शब्दों को इस्तेमाल किया। आपको कहना है कि मतलब मोदी जी को काफी पसंद करते हैं, मानते हैं? बिल्कुल नो फैन, नो। आई थिंक पहली बार ऐसा लगा है कि एक क्रिएटिव बंदा, एक एक्टर, एक राइटर, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है, और आई एम वेरी हैप्पी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपको ये फिल्म कैसे मिली और फिल्म का काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सिर्फ फिल्म कैसे मिली और काम करने का एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बता दो। और बहुत अच्छी फिल्म मिली मुझे काम करने का, फर्स्ट फिल्म राइट आपकी? फर्स्ट फिल्म, हाँ जी, फर्स्ट फिल्म। काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, इस यूनिट के साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि आगे ऐसे ही बहुत सारे फिल्में करती रहूं और बस लोग मुझे प्यार करते रहे। म्यूजिक और गीत संगीत की बात करें तो आरसी जी क्या कहना चाहेंगे आप? इसके म्यूजिक बहुत ही अच्छे से मतलब दिया है सबने, हमारे जो आर्यन जी हैं इन्होंने बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक दिया है। मतलब मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में 6 गाने हैं और एक गाना शान ने गाया है, और जो कि आई फील वेरी ग्रेट कि मुझे वो गाना मिला। एंड बाकी कुछ जावेद अली जी ने और सोनू कक्कड़ और ममता शर्मा जी ने गाए हैं। तो मतलब गाने इतने बेहतरीन हैं कि मतलब एवरी सॉन्ग इज यूनिक एंड फैंटास्टिक। और मेरा जो करेक्टर है, जैसा कि मैं बताऊंगा, मेरा जो सॉन्ग है वो 90s के फ्लेवर का ही है, मतलब जो कि मेरे किरदार में बिल्कुल सटीक बैठता है। एंड आई लव दैट। थैंक यू। आशीष की बात करें, आपने मैंने बहुत ही एंजॉय किया, मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे एल्बम कर चुकी थी लेकिन ये गाना शूट करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और खासकर ऑडियो सुनने के बाद तो मैं ऐसे ही पागल हो जाती थी। जब मैंने फर्स्ट बार ऑडियो सुनी थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कब ये वीडियो करूँ। जब मैं वीडियो करने गई तो मुझे बहुत ही मजा आया, बहुत ही एंजॉय किया। क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम को, आपके जो कोई स्टार हीरो हैं, डायरेक्टर सारे ही बहुत अच्छे हैं, और खासकर आर्यन जी के साथ, दिनेश सर के साथ, इस पूरे टीम के साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं मतलब भगवान से दुआ करूंगी कि इस टीम के साथ मैं आगे भी बहुत काम करूंगी। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? दर्शक से कहना चाहूंगी कि प्लीज ये मूवी देखें। अगर आप ये मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरा पैसा वसूल हो गया, फुल मसाला, म्यूजिक, इंटरटेन सब मिलेगा। तो प्लीज ये फिल्म देखो और हम सबको प्यार दो। लाइफ में है ट्विस्ट, लाइफ में कितना ट्विस्ट है, आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो कुछ तो ट्विस्ट रियल लाइफ में होते हैं, और मतलब उसी से मिलता जुलता ट्विस्ट हो गया है इस फिल्म में, और सेट पे जाके बहुत सारे ट्विस्ट हुए और मतलब हमारे जो को-स्टार थे सब लोग के साथ कुछ ना कुछ ट्विस्ट हुआ। जी, एक म्यूजिक की जैसे बात कर रहे थे, तो अगर वो गाने की अगर एक लाइन हो जाए किसी भी गाने की, आप दोनों साथ में रहते थे। थैंक यू सो मच। पहले तो कि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने इतने अच्छे से मतलब मुझे जो फ्रीडम दिया कि आप कंपोज करिए, मुझे आप पे ट्रस्ट है, भरोसा है। तो जो जो आज़ादी से काम हुआ है वो दिल से काम हुआ है, और पूरे लिरिक्स राइटर मेरी टीम एंड साउंड रिकॉर्डिस्ट मिस्टर मनीवानन जी, सब ने बहुत अच्छे से सहयोग किया है, और मिस्टर शान, जावेद अली, ममता शर्मा, सोनू कक्कर, सभी ने बहुत दिल से गाया है, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं अच्छा गाया। तो एक लाइन अगर किसी गाने की अगर आप गुनगुनाना चाहें तो आप तीनों साथ में गाइए। तू ही तू सदाओं में, तू ही तू जहाँ तक निगाहें जाए, दिखाई दे तू ही तू, जिंदगी तू मेरी बन गई, ओ जिंदगी तू मेरी बन गई, हर लम्हा हर लम्हा तेरी यादों के जुगनू संभाले हैं, तेरे जिंदगी के नरमों में इनसे उजाले हैं, ये दिल अब तेरे ही हवाले है, मुझ में भी अब तो दिखाई दे तू ही तू, परवानगी रब की मिल गई, ओ दीवानगी मेरी बढ़ गई, ओ जिंदगी तू मेरी बन गई, हाँ जिंदगी तू मेरी बन गई, जिंदगी तू मेरी बन गई। हाँ क्या बात है। थैंक यू सो मच।